हेलो बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम सुलभ भारती की कक्षा पांचवी के पेटू राम पाठ का बहुविकल्पीय प्रश्न हल करने जा रहे हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न अर्थात एमसीक्यू क्वेश्चन सेट, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आजकल जो ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं, उस ऑनलाइन एग्जाम का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम जो है वो एमसीक्यू क्वेश्चन सेट ही है। तो चलिए आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ पेटू राम का एमसीक्यू क्वेश्चन सेट। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, पेटू राम खाना क्यों नहीं खाना चाहते थे? ऑप्शंस है, क्योंकि उन्हें भूख नहीं थी, क्योंकि खाना अच्छा नहीं बना था, क्योंकि उनका उपवास था, और क्योंकि वे होटल में खाना खाना चाहते थे। करेक्ट आंसर है क्योंकि उनका उपवास था। दूसरा प्रश्न है, पेटू राम ने उपवास में खाने के लिए इनमें से कौन सा फल नहीं मंगवाया? ऑप्शंस है, अंगूर, संतरा, केला, सेब, और आंसर है संतरा। पेटू राम ने मिठाई कितनी मंगवाई? ऑप्शंस है, एक पाव, दो पाव, आधा पाव, सवा पाव, और करेक्ट आंसर है सवा पाव। पेटू राम ने अंगूर कितने किलो मंगवाए? ऑप्शंस है, एक किलो, आधा किलो, पाव किलो, सवा पाव किलो, और करेक्ट आंसर है आधा किलो। पेटू राम किस दिन अधिक नहीं खाते हैं? ऑप्शंस है, जन्मदिन के दिन, सप्ताह के पहले दिन, उपवास के दिन, सप्ताह के आखिरी दिन। इसका करेक्ट आंसर है उपवास के दिन। दर्जन किसे कहते हैं? ऑप्शंस है, दो वस्तुओं का समूह, छह वस्तुओं का समूह, बारह वस्तुओं का समूह, या सौ वस्तुओं का समूह। उसका करेक्ट आंसर है बारह वस्तुओं का समूह। उपवास का समानार्थी शब्द क्या है? ऑप्शंस है, व्रत, झिझक, स्वादिष्ट, आदेश। उसका करेक्ट आंसर है व्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी चीज मेवा नहीं कहलाती है? ऑप्शंस है, काजू, बादाम, अनार, पिस्ता। उसका करेक्ट आंसर है अनार। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शंस है, लता पंत, डॉक्टर त्रिलोकीनाथ ब्रजवाल, सुधा शर्मा, रोहिताश्वस्थाना। और इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर त्रिलोकीनाथ ब्रजवाल। अधिक शब्द का विरुद्धार्थी शब्द चुनिए। ऑप्शंस है, झिझक, आदेश, कम, बहुत, और इसका आंसर है कम। आज्ञा शब्द का समानार्थी शब्द चुनिए। ऑप्शंस है, आदेश, सिर्फ, झिझक, बहुत। उसका करेक्ट आंसर है आदेश। धन्यवाद।